आपको बता दें, मुखबिर से खड़गवां पुलिस को सूचना मिली कि बोलेरो वाहन से अवैध अंग्रेजी शराब भारी मात्रा में मध्य प्रदेश राज्य से खपाने के लिए लेकर खड़गवां थाना क्षेत्र के ग्राम फुनगा कटकोना की ओर जा रही है। सूचना मिलते ही खड़गवां पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और अपने उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद नगर पुलिस अधीक्षक कर्ण कुमार उर्के के नेतृत्व में थाना प्रभारी खड़गवां और स्टाफ की टीम गठित किया गया। टीम ने घेराबंदी कर ग्राम सारस बुधरा नाला पुल पर बंदिश देकर एक बोलेरो वाहन को पकड़ा। उसमें दो लोग बैठे थे। पुलिस ने चालक को तो पकड़ लिया, पर एक आरोपी जो गाड़ी में बैठा था मनराज नामक अंधेरे का फायदा उठाकर बुधरा नाला पुल से कूदकर फरार हो गया, जिसका पुलिस तलाश कर रही है। 9 मई 2018 को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक बोलेरो गाड़ी में एमपी की शराब अवैध रूप से लाकर तस्करी की जा रही है। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसने थाना और इस बोलेरो को पकड़ा गया। इस बोलेरो में मध्य प्रदेश की शराब लाई जा रही थी। मौके पर आरोपी चालक को पकड़ा गया है एवं इसका एक साथी पुल से कूदकर फरार हो गया है, जिसकी अभी पता तलाश जारी है और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कितने बोतल शराब है, जो कुल शराब जो पकड़ी गई है लगभग 215 लीटर के आसपास है, जिसकी वर्तमान बाजार में कीमत लगभग 1,05,430 रुपये के आसपास है। और भी आरोपी होंगे? इसमें कुल एक आरोपी पकड़ा गया और एक फरार है, जिसकी पता तलाश अभी जारी है। ये कहाँ से आरोपी आ रहा था? ये आरोपी मध्य प्रदेश से शराब लेकर आ रहे थे। इसमें जो आरोपी पकड़ा गया है वाहन चालक, वो थाना झगराखंड क्षेत्र का निवासी है एवं दूसरा आरोपी जो भी फरार है उसकी पता तलाश अभी की जा रही है। पकड़े गए आरोपी के पास से अवैध अंग्रेजी शराब से भरा बोलेरो, जिसमें कुल शराब 215 लीटर था, जिसकी कुल कीमत 1,05,430 रुपये है। आरोपी रामजन के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। We'll be right back.